सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। मैं हूं निगम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सखड़ी की सामग्री बैंगन के भुजना सिद्ध करेंगे। कल बैंगन दशमी को उत्सव है। इस दिन प्रभु बैंगनी रंग के वस्त्र धरे और सामग्री में भी बैंगन की विविध सामग्री विशेष रूप से आरोगाई जाए। तो आज हम बैंगन के भुजना सिद्ध करेंगे। ये सामग्री सिद्ध करना बहुत ही सरल है, तो सामग्री सिद्ध करने की शुरुआत करते हैं। बैंगन के भुजना सिद्ध करने के लिए एक मीडियम साइज के गोल बैंगन को जल से खासा करके उसके गोल टुक कर लिए हैं। 100 ग्राम बेसन लिया है, बेसन को मैंने छान कर लिया है। आधा चम्मच सूखे धनिया के बीज को दरदरा कूट लिया है। आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च ली है। पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच हींग, आधा चम्मच नमक, चुटकी भर कुकिंग सोडा और आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें 100 ग्राम बेसन पदराए, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच हींग और आधा चम्मच सूखे धनिया के दरदरे कूटे हुए बीज पदराए। चम्मच की मदद से सभी मसालों को बेसन में मिला ले। अब हम आवश्यकता अनुसार जल पदराए और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें। अभी हमें बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखनी है, इसलिए आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पदराए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए वैसा बैटर तैयार करना है। अब गैस पर एक पात्र यानी कि कढ़ाई रखें, उसमें भुजेना तलने के लिए तेल पदराए और गैस की फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने दें। अभी हम सखड़ी की सामग्री में भुजेना सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए तलने के लिए तेल का उपयोग किया है। आप अगर सखड़ी ना आरोगाते हो तो तेल की जगह घी में भी भुजेना फ्राई कर सकते हो और बैटर में नमक की जगह सेंधा नमक पदराए। अब जो हमने भुजेना का बैटर तैयार किया था उसमें पिंच ऑफ कुकिंग सोडा पदराए और एक चम्मच जितना जल पदराए और चम्मच की मदद से बैटर को 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट ले। आप अगर प्रभु को लाल मिर्च आरोगाते हो तो लाल मिर्च पाउडर आप पदरा सकते हो। भुजेना तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब बैंगन के टुक को बैटर में डीप करें और गरम तेल में डीप फ्राई करें। जब भी आप भुजेना तलो तब गैस की फ्लेम मीडियम रखें। नीचे की ओर भुजेना गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे पलट कर दूसरी साइड अच्छे से तले। इस तरह भुजेना दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। उसे एक प्लेट में पदराए और इसी प्रोसेस से बाकी के भुजेना तैयार करें। इस तरह बाकी के बैंगन के टुक को बैटर में डीप करके गरम तेल में डीप फ्राई करें। भुजेना तलते वक्त गैस की फ्लेम हाई न रखें। अगर फ्लेम हाई रखोगे तो भुजेना बीच में से कच्चे रह जाएंगे और सामग्री सुंदर सिद्ध नहीं होगी। इस तरह सभी भुजेना हमने गरम तेल में डीप फ्राई कर लिए हैं। भुजेना की सामग्री तैयार है। सामग्री थोड़ी ठंडी होने दे, बाद में श्री प्रभु को भोग धरे। तो आज हमने बैंगन के भुजेना सिद्ध करना सीखा।
अगर आपके पास अनुकूलता हो तो कल बैंगन दशमी के उत्सव पर ये सामग्री अवश्य सिद्ध करें। और सामग्री कैसी सिद्ध भई है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसी तरह श्री ठाकुर जी की सेवा के अनुरूप विविध सामग्री की रीत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।